various allocation methods in contiguous memory management. So basically we are using four algorithms how we are allocating the memory to the processes. Means जो हमारे memory के अंदर जितने भी हमारे पास processes already पड़े हैं और जितने भी हमारे पास available holes हैं, हम कैसे processes को allocate कर रहे हैं उन holes को. So basically there are four algorithms: first fit, next fit, best fit and worst fit. So let's examine this. According to this diagram, this is showing a process is already occupied this memory area. This is what already there is a process. Let's say process 10. There is one process 11, a process 12, process 13, process 14, process 15. So these processes are already there in the memory, and this is representing the holes. These are the holes, means leftover space. So how we can manage this leftover space? We will be using these algorithms. So let's start with the first fit algorithm. According to the first fit algorithm, allocate the first hole or partition, we can say partition also, but majority we use it to manage the holes. So allocate the first hole that is big enough. Means let's say there is a process P1 and process size is 15K. Process size is 15 kilobyte. So agar process 15K ka aa raha hai, so according to the first fit, what it will check? It will simply check the first location that is big enough which can hold the 15K. Means it will start from this. So it is already occupied, occupied, occupied. This is the empty space. So this is one hole. What is the size of this hole? 25K. So 25K can easily accommodate the 15K. So according to the first fit, it will simply stop the searching. Wo stop kar dega searching kiski? Hole ki searching karna stop kar dega. And simply allocate P1 to this partition, or we can say hole. मतलब P1 को वो कहां पे allocate कर देगा? इस जगह पे. पहला ही ऐसा होल जहां पे मैं उस प्रोसेस को फिट कर सकता हूं, तो दैट विल कॉल द फर्स्ट फिट. इजीएस्ट है बिकॉज यहां पे सर्चिंग टाइम भी मेरा बहुत कम लग रहा है. मैं एंटायर लिस्ट को सर्च नहीं कर रहा, जैसे ही मेरे को पहला होल मिल गया वहीं पे मैं प्रोसेस को एकोमोडेट कर दूंगा. अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट फिट इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द फर्स्ट फिट. सो नेक्स्ट फिट में भी हम सेम ऐसे ही कर रहे हैं, सेम एज फर्स्ट फिट, बट स्टार्ट सर्चिंग ऑलवेज फ्रॉम द लास्ट एलोकेटेड होल. मीन्स जो भी लास्ट एलोकेट होल दिया था किसी प्रोसेस को, वी विल कीप अ पॉइंटर ऑन दैट. लेट्स से कि फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग P1 को मैंने यहां पे डाला, तो P1 यहां पे मैंने एलोकेट कर दिया. अब यहां पे एक पॉइंटर, आई विल कीप अ पॉइंटर एट दिस एरिया. वो पॉइंटर क्या हेल्प करेगा? नेक्स्ट टाइम अगर एक प्रोसेस आता है, लेट्स से एक और प्रोसेस आया P2 एंड P2 का साइज भी लेट्स से 18K. P2 का साइज है 18K. सो फ्रॉम वेयर इट विल स्टार्ट सर्चिंग? इट विल नॉट स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, इट विल स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम द लास्ट वैल्यू और लास्ट स्पेस वेयर द प्रोसेस वॉज एलोकेटेड. मतलब लास्ट कहां पे था? इस होल पे. तो यहां से सर्च करना स्टार्ट करेगा एंड व्हाट एवर द नेक्स्ट, लेट्स से 40K वाला इनफ है, 40K में हम इजीली 18K को डाल सकते हैं. सो दिस एरिया विल बी टेकन बाय P2. सो एडवांटेज ऑफ नेक्स्ट फिट इज कि वी नीड नॉट टू सर्च अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग अगेन एंड अगेन. जो भी लास्ट होल मैंने किसी प्रोसेस को दिया था, उस होल से नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फॉर द एम्प्टी होल. मतलब नेक्स्ट एम्प्टी होल के लिए सर्च करना स्टार्ट करेंगे, सो दैट मैं नेक्स्ट प्रोसेस को उसमें एकोमोडेट कर सकूं. सो यहां पे नेक्स्ट फिट के अकॉर्डिंग मैं दोबारा से बिगिनिंग, दोबारा जीरो से स्टार्ट नहीं करूंगा सर्च करना. मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? इस होल से, बिकॉज ये होल ऑलरेडी मैंने फर्स्ट फिट में दे दिया था. तो मैं अब नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा 40K. 40K में मैं इजीली 18K के प्रोसेस को अकोमोडेट कर सकता हूं, तो P2 को मैं यहां पे डाल दूंगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेक्स्ट फिट. थर्ड वन इज बेस्ट फिट. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट फिट? फ्रॉम द नेम इट क्लियर्स, it will search the entire list and it will try to search that hole which will lead to minimum internal fragmentation.
द मीनिंग इज कि लेट्स से कि मेरा प्रोसेस है, दोबारा से स्टार्ट करते हैं इसी को, प्रोसेस का साइज है अगर 15K, प्रोसेस का साइज है 15K, तो 15K के प्रोसेस को अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फिट मैं इसमें डाल सकता हूं, अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट फिट भी मैं इसमें डाल सकता हूं, लेकिन बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग, ऑल्दो बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऑलरेडी 15K यहां पे अकोमोडेट हो सकता है, लेकिन ये पूरे एंटायर लिस्ट सर्च करेगा लेट्स से 40K, 40K में भी अकोमोडेट हो सकता है, बट द लेफ्ट ओवर स्पेस इज वेरी ह्यूज, तो बाकी का बचा हुआ जो पोर्शन है वो कम से कम होना चाहिए, इट विल ट्राई टू सर्च फॉर दैट होल, तो ये लास्ट में कहां पे आएगा 20K में, 20K कैन अकोमोडेट P1, यस 20K कैन अकोमोडेट P1 इजीली, एंड व्हाट इज द लेफ्ट ओवर स्पेस, अगर मैं यहां पे P1 को एलोकेट कर देता हूं, तो P1 को अगर एलोकेट कर दिया तो लेफ्ट ओवर स्पेस कितना बचा मेरा 5K का, बिकॉज बाकी का एरिया किसने ले लिया, P1 ने, बाकी का एरिया P1 ने ले लिया, तो लेफ्ट ओवर स्पेस इज व्हाट 5K, तो पूरे लिस्ट को सर्च करेगा, पूरे सारे होल्स को सर्च करेगा और वो वाला होल चूज करेगा जिसमें अगर मैं उस प्रोसेस को डालूं तो बाकी का बचा हुआ रिमेनिंग मेमोरी, रिमेनिंग पोर्शन विल बी लीस्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेस्ट फिट, ताकि मेरी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कम से कम आनी चाहिए उस केस में। अकॉर्डिंग टू द वर्स्ट फिट, वर्स्ट फिट में हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली लार्जेस्ट होल को सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब इसमें भी हम एंटायर लिस्ट को सर्च करेंगे लेकिन हम किस प्रोसेस को डालेंगे उसमें, या किस होल में डालेंगे प्रोसेस को जहां पे मेरा लेफ्ट ओवर स्पेस सबसे ज्यादा बनता है, मतलब बेस्ट फिट का ये बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल रिवर्स ऑफ बेस्ट फिट है, तो अगर P1 का साइज 15K है तो मैं यहां भी डाल सकता हूं, यहां भी अलग अलग जगह, लेकिन वर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग मैं कहां डालूंगा P1 को, इस वाले होल में, बिकॉज जब P1 को यहां पे डाला तो P1 ने यहां पे एकोमोडेट हो गया, तो बाकी का पोर्शन कितना बचा, रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज 85K, तो विच इज लीडिंग टू द मैक्सिमम मेमोरी लेफ्ट ओवर, तो यानी वर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग हम कहां पे किसी भी प्रोसेस को डाल रहे हैं जहां पे मेरा लेफ्ट स्पेस उस प्रोसेस को डालने के बाद मेरा होल का साइज बहुत बड़ा बन रहा है। अब अगर इनको कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट फिट इजीएस्ट मेथड है, वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल टू इंप्लीमेंट एंड वेरी फास्ट, द एडवांटेज इज इट इज वेरी फास्ट बिकॉज इट इज डायरेक्टली सर्चिंग फॉर द फर्स्ट होल दैट इज बिग इनफ टू होल्ड माई प्रोसेस। इसको नहीं लेना देना कि बाकी का बचा हुआ पोर्शन लेफ्ट ओवर स्पेस ज्यादा बनेगा या कम बनेगा, अगर एक प्रोसेस को एक होल एकोमोडेट कर सकता है तो जो भी पहला होल मिलेगा उसमें उस प्रोसेस को एलोकेट कर देगा। तो यहां पे एडवांटेज मेरी सिंपल है, फास्ट है, बट डिसएडवांटेज यहां पे क्या आ रही है, डिसएडवांटेज हो सकता है ये आ जाए कि जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है, जो बाकी का मेरा होल बचेगा, लेट्स से कि अगर P1 को मैं यहां पे अकोमोडेट कर दूं तो बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है इट विल क्रिएट द होल्स, द बिग होल्स इट कैन क्रिएट, मतलब बाकी देखो आप अगर 15K मैं यहां पे डाल दूं, मतलब P1 को यहां पे अकोमोडेट कर दूं तो बाकी मेरे पास कितना स्पेस बचा, 10K का फर्दर होल बच गया। अब इस 10K के होल में अगर कोई प्रोसेस आता है 10K का तब तो मैं इसमें अकोमोडेट कर सकता हूं, लेकिन अगर प्रोसेसेस मेरे ज्यादा साइज के आ रहे हैं देन आई कैन नॉट अकोमोडेट इन दिस, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द फर्स्ट फिट। नेक्स्ट फिट में एडवांटेज, नेक्स्ट फिट इज सेम अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फिट, बट द वन मोर एडवांटेज इज फर्स्ट फिट हमेशा जीरो से स्टार्ट करेगा सर्च करना, जैसे ही पहला स्लॉट मिल गया, पहला हॉल मिल गया, उसमें प्रोसेस को डाल देगा। लेकिन नेक्स्ट फिट में हमने थोड़ा सा और फास्ट कर दिया, फास्ट कैसे कर दिया कि जैसे ही हमने P1 को यहां पे डाला, यहां पे हमने एक पॉइंटर लगा दिया, अब नेक्स्ट टाइम जब हम सर्च करेंगे किसी होल के लिए तो हम सर्चिंग हमारी इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, दोबारा से जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट फिट में भी हम सेम, जैसे ही एक और प्रोसेस आया, लेट्स से एक और प्रोसेस आया अगर 15K का, तो मैं नेक्स्ट कौन सा होल मिला, ये वाला होल, कितना साइज है 40K, और मेरे प्रोसेस का साइज कितना है 15K, तो आई कैन इजीली पुट द 15K इन दिस।
थर्ड वन इज बेस्ट फिट. बेस्ट फिट में एडवांटेज यहां पे क्या मिल रही है मेरे को कि इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बहुत ही कम होगी, मतलब मेरे पास जो पोर्शन बचेगा बाद में वो बहुत ही छोटा पोर्शन बचेगा. लेकिन ये एक तरह से डिसएडवांटेज भी हो सकती है. लेट से कि अगर एक प्रोसेस आता है, प्रोसेस का साइज है अगर 35K, तो अकॉर्डिंग टू द बेस्ट फिट आई विल पुट in this slot. I can put in this also because 100K can also accommodate, but best fit बोलेगा कि एक process को डालने के बाद उस hole में जो बाकी की बची हुई space है वो सबसे least होनी चाहिए. तो according to that rule I will simply put this, let's say the process is P2, this P2 process in this. तो बाकी का कितना portion बचा? सिर्फ 5K. तो कई बार क्या करता है ये best fit, इतने small tiny hole create कर देगा कि उसमें फर्दर हो सकता है प्रोसेस को मैं अकोमोडेट ही ना कर सकूं, बिकॉज इतने छोटे छोटे होल्स में हो सकता है मेरे प्रोसेस आ ही ना पाए. प्रोसेस के साइजेस थोड़े बड़े आ रहे हैं और मेरे पास छोटे छोटे होल बन गए, उन छोटे छोटे होल्स में मैं प्रोसेस को नहीं डाल सकता. लेकिन अगर नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम बेसिकली सर्च कर रहे हैं ऐसे होल की कि जिसमें मेरी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन सबसे कम आनी चाहिए. और एक और बड़ी डिसएडवांटेज है बेस्ट फिट में, द पॉइंट इज इट विल सर्च द एंटायर लिस्ट. ये पूरी की पूरी लिस्ट को सर्च करेगा, तभी जाके पता लगेगा कि किस होल में उस प्रोसेस को डालना है, सो दैट द लेफ्ट पोर्शन शुड बी लीस्ट. इसको पता लगाने के लिए उसको सारी जगह कंपेयर करना पड़ेगा कि P2 साइज इज 35K, होल साइज इज 40K, तो लेफ्ट ओवर पोर्शन इज 5K. नेक्स्ट 100K, P2 size is 32K, hole size is 100K, left portion will be near about 65K, which is huge. So it will search for entire holes and then it will decide कि किस hole में मेरे को process को डाल लें ताकि left over portion सबसे कम आए. तो यानी यहाँ पे मैं best fit में advantage में हम कह सकते हैं कि like the internal fragmentation will be less. और वी कैन से कि जो मेरे होल्स बचेंगे वो बहुत ही स्मॉल पोर्शन में बचेंगे. लेकिन अगर इसकी डिसएडवांटेज देखें तो डिसएडवांटेज इज वेरी स्लो. दिस इज वेरी स्लो बिकॉज इट विल सर्च फॉर द एंटायर लिस्ट. वर्स्ट फिट में भी सेम है. वर्स्ट फिट में हम किसके लिए सर्च कर रहे हैं? ऐसे होल के लिए कि जिसमें मेरा बाकी का बचा हुआ पोर्शन बहुत ही ज्यादा आए. मतलब अगर मेरा एक प्रोसेस आ रहा है, लेट्स से प्रोसेस का साइज है 15K, या लेट्स से प्रोसेस का साइज है 20K, तो 20K के प्रोसेस को हम कहां पे अकोमोडेट करेंगे? अकॉर्डिंग टू द वर्स्ट फिट हम सिंपली अकोमोडेट करेंगे इस जगह, ताकि इस 20K को तो हमने यहां पे डाल दिया, इस प्रोसेस को हमने यहां पे डाल दिया, बाकी का बचा हुआ पोर्शन कितना बचा मेरे पास? 80K. तो यानी वर्स्ट फिट में यहां पे एक एडवांटेज क्या आ रही है कि ऑल्दो इट इज सर्चिंग फॉर दैट होल व्हिच इज बिग इनफ एंड व्हिच इज लीविंग फॉर द मैक्सिमम लेफ्ट ओवर स्पेस. तो यहां पे मैक्सिमम लेफ्ट ओवर स्पेस बच रहा है 80K का, लेकिन ये स्पेस इतना इनफ है कि अगर एक और प्रोसेस आता है या दो तीन प्रोसेस और आते हैं वो भी मैं यहां पे अकोमोडेट करवा सकता हूं. तो यानी यहां पे मेरे पास इतना स्मॉल पोर्शन नहीं बच रहा, एक एक दो दो बाइट का, एक एक दो किलो बाइट का, कि जिसमें मैं कोई प्रोसेस को डाल ही नहीं रहा. यह प्रॉब्लम किस में आ रही थी? बेस्ट फिट में आ रही थी. लेकिन वर्स्ट फिट में 80K का होल एक और बच गया. अब इसमें 80K के होल में लेट से एक और प्रोसेस आया, P2 का साइज है 10K, या लेट से P2 का साइज है 10K ही ले लेते हैं. तो 10K के अकॉर्डिंग अगर मैं वर्स्ट फिट को यूज कर रहा हूं तो इस 10K को अगेन मैं इस 80K के होल में डालूंगा, ताकि मेरा जो अगेन लेफ्ट ओवर पोर्शन है वो फिर सबसे ज्यादा बड़ा आएगा, दैट इज 70K. तो यानी इसमें और ज्यादा प्रोसेसेस को डालने के चांसेस है. लेकिन बेस्ट फिट में जब आप एक होल में प्रोसेस को डालते हो तो बचा हुआ पोर्शन, बची हुई मेमोरी इतनी कम होती है कि फर्दर प्रोसेसेस को उस बचे हुए होल में डालने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं. लेकिन वर्स्ट फिट में चांसेस अभी भी हैं, क्योंकि बाकी का बचा हुआ पोर्शन अभी भी इतना इनफ है कि इसमें आप दो तीन प्रोसेसेस को फर्दर अकोमोडेट करवा सकते हो. लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम क्या आ रही है मेरी? स्लो. स्लो क्यों है?
Obviously, it will also search for entire list. After searching for entire list, then it will decide कि किस होल में प्रोसेस को डालूं ताकि बचा हुआ मेमोरी या बची हुई स्पेस बहुत सबसे ज्यादा आए, बची हुई स्पेस मैक्सिमम आए. बेस्ट फिट में बची हुई स्पेस मिनिमम आनी चाहिए और वर्स्ट फिट में बची हुई स्पेस प्रोसेस को डालने के बाद उस होल में बची हुई स्पेस मैक्सिमम आनी चाहिए. सो बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट आपस में क्या है, बिल्कुल अपोजिट है. तो इसके ऊपर काफी बार गेट में क्वेश्चन आता है कि अगर आपको एक डायग्राम दे दें कि यहाँ पे कितने मेरे ऑलरेडी प्रोसेसेस ऑक्यूपाइड है और सम होल्स आर देयर, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, नेक्स्ट फिट या वर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग मैं कैसे प्रोसेसेस को एकोमोडेट करवाऊंगा होल के अंदर. सो अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो वी कैन से कि फर्स्ट फिट इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड, क्योंकि हम सिंपली यहाँ पे अगर टाइम के अकॉर्डिंग बात करें तो इन चारों में या बेसिकली इन तीनों में, बिकॉज ये नेक्स्ट फिट तो इसी का मॉडिफाइड वर्जन है, तो हम ओवरऑल कंपेयर कर सकते हैं फर्स्ट फिट को, बेस्ट फिट को एंड वर्स्ट फिट को, बिकॉज दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ फर्स्ट फिट. तो दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड बिकॉज यहाँ पे टाइम सबसे कम लग रहा है. बट अगर नॉर्मली आपको क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन में कोई भी सिनेरियो हो सकता है, उसमें हो सकता है वर्स्ट फिट सबसे अच्छा काम कर रहा हो सकता है कि फर्स्ट फिट सबसे अच्छा काम कर रहा हो. सो यू डोंट नीड टू क्रैम दिस, बट हाउ दीज एल्गोरिदम्स आर एक्चुअली वर्किंग, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.